नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक रिलेटेड है यूरिक एसिड से संबंधित। बहुत लोगों ने मेरे फेसबुक अकाउंट में रिक्वेस्ट भेजा है कि यूरिक एसिड किस चीज़ को ज़्यादा खाने से बढ़ता है और किस चीज़ को खाने से यूरिक एसिड हमारा कंट्रोल रहेगा। मैंने पहले भी जानकारी दिया था आपको, यूरिक एसिड के वजह से जो है कई बार देखा गया है कि लोगों के बड़े वाली उंगली पैर की सूजन आ जाता है, कई बार शरीर के हाथ के पंजे या हाथ के उंगलियां या पैर के उंगलियों में सूजन, या जोड़ों पर दर्द, घुटने पर दर्द या हाथ के बाजुओं पर दर्द, सूजन, अकड़न, ये एक आम प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जो है जिनको खाने से वो कंट्रोल रहेगा। कुछ ऐसी डाइट जिसको खाने से हम यूरिक एसिड को हम कंट्रोल मात्रा में रख सकते हैं, उसमें दही सबसे पहली चीज़ है। अगर हम स्किम्ड मिल्क का प्रयोग करेंगे और दही का प्रयोग करेंगे तो यूरिक एसिड उससे बढ़ता नहीं है। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का हम अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं, नट्स का प्रयोग कर सकते हैं, हम राइस का प्रयोग कर सकते हैं, हम पोटैटो या आलू का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं। कई लोगों ने मुझे ये सवाल भेजा था कि हम पास्ता खा सकते हैं। हाँ, पास्ता आप खा सकते हैं, आप नॉर्मली एग भी ले सकते हैं और नॉर्मली फिश भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मात्रा में एग या ज़्यादा मात्रा में फिश से ज़्यादा प्रोटीन बनने से भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहता है। अगर यूरिक एसिड किसी को बढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मली कुछ ऐसे डाइट हैं जिनको लेने से यूरिक एसिड नेचुरली भी कम हो जाते हैं, उसमें एप्पल एक ऐसा डाइट है जिसको आप रेगुलरली अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी का प्रयोग कर सकते हैं, आप चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइम जूस इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, विटामिन सी रिच डाइट में आंवला और कीवी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। बनाना बहुत अच्छा है यूरिक एसिड के लिए। उसके साथ साथ हाई फाइबर डाइट जिसमें खीरा हो गया, मूली, गाजर, इसबगुल, इन चीज़ों को आप, या ओट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटो, ब्रोकली और आपको जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं तो यूरिक एसिड में फ़ायदा मिलेगा। कई बार ओमेगा 3 के यूज़ करने से भी यूरिक एसिड जो है कंट्रोल हो सकता है। क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अधिकांश हमें एक हैबिट हो जाता है कि हम अधिकांश जो है मीठे सामान ज़्यादा प्रयोग करते रहते हैं, तो जब भी हमारे यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो हमें तुरंत मीठे पर कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा शुगर कंटेंट वाली चीज़ों को आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। उसके साथ साथ बेवरेज जो आते हैं, जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स आता है या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जूसेस पैक्ड जो आते हैं उनको बंद कर दीजिए। अल्कोहल को टोटली रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रेड मीट बिल्कुल ही ना प्रयोग कीजिए, उसके साथ साथ कॉलीफ्लावर जो है उसको बिल्कुल नहीं खाइए। पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए, पानी के माध्यम से यूरिनरी रूट से, यूरिन के रास्ते से अत्यधिक यूरिक एसिड जो है रोज़ाना पेशाब के रास्ते से बाहर होता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आपको मैंने शेयर किया है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। इसके अलावा भी मेरे से आप मिलना चाहते हैं या यूरिक एसिड से आप पीड़ित हैं या आपको गाउटी आर्थराइटिस है तो मेरे त्रिनियों क्लिनिक्स के एड्रेस इसमें दिए हुए हैं, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।